हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, पीछे की ओर ना मुड़े। जिस तरह एक राजाओं की पुस्तक अध्याय 19 के 20 आयत में लिखा है, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एलिशा के पास 12 जोड़ी बैल थे। 12 जोड़ी बैल का मतलब है कि उसके पास अच्छा कारोबार था, उसका अच्छा व्यापार था। वह अपना सब पैसा अपने खेतों से ही निकालता था, क्योंकि वह एक किसान था। जब एलिया ने एलिशा पर चादर डाली तो एलिशा को पता चल गया था कि आप परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए चुन लिया है। तब उसने एलिया से कहा कि पहले मैं अपने माता पिता को मिल जाऊं, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। तब एलिया ने कहा कि मैंने तुझसे क्या किया, यहाँ से चला जा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपके पास पीछे देखने का कोई भी मौका नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह मेरे योग्य नहीं है। शैतान आपको तंग करने की कोशिश करता है, दुष्ट आत्मा बीमारी आपको तंग करने की कोशिश करती है, ताकि आप पीछे मुड़ जाएं और प्रार्थना करनी छोड़ दें। लेकिन वह समय ऐसा होता है कि जब परमेश्वर आपको प्रार्थना करनी सिखाता है और मजबूत बनाता है, ताकि आप एक योद्धा बन सकें और आपको पीछे देखने की आदत ना पड़े। बाइबल का एक नियम है कि जीतता वही है जो आगे की तरफ बढ़ता है। वचन कहता है कि धार्मिकता की झिलम पहन, झिलम जो होती है वह छाती पर पहनी जाती है। और परमेश्वर ने कहा कि जो वचन तुमने पढ़ा है उसे अपने दिल में सुरक्षित रखो और उस पर दिन रात मनन करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी झिलम है और आपको सुरक्षित रखता है। तब आप उस वचन के द्वारा अपना फल पाएंगे। दूसरा है कि सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो। इसका मतलब है कि जिस वचन पर आपने मनन किया है उसका प्रचार करें। अपने पड़ोसी को, रिश्तेदारों को परमेश्वर के बारे में बताएं, और यह शैतान से बचने का एक तरीका है। फिर परमेश्वर ने कहा कि उद्धार का टोप पहनो और आत्मा की तलवार लो। अब आपने सब हथियार पहन लिए हैं, टोप पहन लिया है, झिलम पहन ली, कमर कस ली, जूते पहन लिए, तलवार ले ली, लेकिन आपकी पीठ अभी भी खाली है, क्योंकि परमेश्वर ने पीठ के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं दी। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर अपने दुश्मन को पीठ दिखाई और भागने की कोशिश की तो आप मारे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शैतान से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए सब हथियार दिए हैं। अगर आप लड़ेंगे नहीं और शैतान की तरह अपनी पीठ करेंगे तो आप मारे जाएंगे। बाइबल कहती है कि डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन आपको सिर्फ एक ही तरह से जिता देता है कि चाहे आप पर कितनी भी मुश्किलें आएं, बीमारियां आएं, पर आपको परमेश्वर से पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर के सारे हथियार पहनने से हैं, रोज़ प्रार्थना करनी है, वचनों पर मनन करना है और परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलते हुए जीवन व्यतीत करना है, ताकि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस काम को आपके जीवन में पूरा कर सके। आमेन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर करें, ताकि मैं आपने आत्मिक जीवन में अपनी अच्छी लड़ाई को लड़कर जीत सकूं और आपको कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।